गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम इंग्लिश और जीके की करेक्शन वर्कशीट करेंगे। क्वेश्चन वन, राइट एंड लर्न फॉलोइंग डिक्टेशन वर्ड्स। ये डिक्टेशन वर्ड है, इनको आपको पांच पांच बार लिखना है और याद करना है। INTELLIGENT, इंटेलिजेंट, समझदार। CONGRATULATIONS, कॉन्ग्रेचुलेशंस, मतलब किसी को जब हम बधाई देते हैं कोई। SOLDIERS, सोल्जर्स मीन्स सिपाही। RESPONSIBILITY, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। DIFFERENT, डिफरेंट मीन्स अलग। ATTENTION, अटेंशन मीन्स ध्यान। EXPERIENCE, एक्सपीरियंस मतलब अनुभव। ERECIATION, appreciation means प्रशंसा। TERRIBLE, terrible means भयावह, कुछ डरावना। NOISE, noise, शोर। SUGGESTION, suggestion means सुझाव। पांच बार लिखेंगे और याद करेंगे। नेक्स्ट, रीराइट दिस सेंटेंस बाय यूजिंग मार्क्स ऑफ पंक्चुएशन। जैसे कि ये दे रखा है, इसमें कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं लगा रखा आपको, ये आंसर में हमने लगाया है। कैसे लगाया वो देखिए। जैसे इसमें लुक एट दैट बर्ड, इट इज फ्लाइंग इन द स्काई, इसमें एल कैपिटल आना चाहिए था, इसलिए हमने एल कैपिटल किया क्योंकि फर्स्ट लेटर है। उसके बाद बर्ड तक ये सेंटेंस खत्म हो गया तो फुल स्टॉप लगा दिया हमने। उसके बाद फुल स्टॉप के बाद पहला लेटर कैपिटल आएगा तो हमने आई कैपिटल कर दिया और लास्ट में फुल स्टॉप लगा दिया। नेक्स्ट, आई एम गोइंग टू मार्केट, आई विल गो बाय बस। ये दो सेंटेंस है, इसमें आई कैपिटल, आई एम गोइंग टू मार्केट, मार्केट के बाद खत्म हो गया सेंटेंस तो फुल स्टॉप लगा दिया। उसके बाद आई कैपिटल, आई विल गो बाय बस, फिर फुल स्टॉप लगा देंगे। नेक्स्ट, हैव हिज फ्रेंड्स कम टू प्ले विद हिम, क्वेश्चन पूछा गया है। हैव का एच कैपिटल, हिज फ्रेंड्स कम टू प्ले विद हिम, उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया तो क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ब्रेवो, यू हैव हिट द बॉल वेल, इसमें ब्रेवो का बी कैपिटल और ब्रेवो इंटरजेक्शन है इसलिए हमने एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया है। उसके बाद यू का वाई कैपिटल, यू हैव हिट द बॉल वेल, फिर फुल स्टॉप। दिस बुक इज बेटर देन दैट बुक, दिस का टी कैपिटल और उसके बाद फुल स्टॉप लास्ट में। इज योर मदर ए टीचर, आई कैपिटल और इसमें क्वेश्चन पूछा गया तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ऐसे हम इसको पंक्चुएट करेंगे। नेक्स्ट, डिफाइन एडजेक्टिव विद एग्जाम्पल, लर्न इट। एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड दैट डिस्क्राइब ए नाउन और प्रोनाउन, इट एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ इट, मतलब जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं कुछ। जैसे द फ्रॉग हैज ग्रीन लेग, जो मेंढक के हरे पैर हैं। आई हेल्प द इंजर्ड मैन, मैंने घायल आदमी की मदद की, इसमें जो ब्लैक से लिखा गया वो एडजेक्टिव है। रानी हैज फाइव टॉय कार, द कार इज बिग, शी इज ए टॉल गर्ल, तो ये सारे क्या है, एडजेक्टिव। नेक्स्ट, हम एडजेक्टिव को नाउन से मैच करेंगे। सॉफ्ट, सॉफ्ट क्या होता है, SOFT, सॉफ्ट फेदर, पंख जो होता है सॉफ्ट होता है बहुत। लाउड नॉइज मतलब शोर जोर से होता है। हॉट कॉफी, कॉफी गर्म होती है। ब्यूटीफुल बर्ड, ब्लैक क्लाउड, कलरफुल बटरफ्लाई, रंग बिरंगी तितली। तो हमने एडजेक्टिव को नाउन से मैच किया है। नेक्स्ट, जीके में क्वेश्चन आंसर, विच इज अवर नेशनल सॉन्ग, हमारा नेशनल सॉन्ग कौन सा है, वंदे मातरम। हु रोट अवर नेशनल एंथम, हमारे नेशनल एंथम को किसने लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर। विच इज अवर नेशनल बर्ड, हमारा नेशनल बर्ड कौन सा है, पीकॉक। विच इज अवर नेशनल एनिमल, टाइगर। आप इनको लिखेंगे और याद करेंगे। थैंक यू।